Well, she's back in the news because of her new Audi A8 worth 1.25 crores and because of her new relationship status. Hi, main Nitin hu. You're watching Bollywood Hangover on your favorite YouTube channel. And yahan pe main aapko batata hu Bollywood mein what's in and what's out. Is hafte hum yahan pe baat karne wale hain Rani Mukherjee and Aditya Chopra ki. Ab tak mukar rahe the ye log ki nahi nahi hamare beech kuch nahi hai, lekin ab wapas they are making the headlines kyunki Aditya Chopra ne ek 1.25 crore rupaye ki gaadi gift kari hai Rani Mukherjee ko. And उसके अलावा अब जो बात निकल के आई है दैट इज कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, यानी अबे कब कैसे कहां, मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाली ये बात. लास्ट दिवाली में इन दोनों ने फेरे लिए या कोर्ट मैरिज करी या मतलब जैसे भी यार, दे टुक द वाउज और एक दूसरे के हाथ में वो रिंग्स पहना के बन गए एक दूसरे के हम जोली. फिर भी एक दूसरे से दूर क्यों रहते हैं यार. दूर रहने का जो फंडा है दैट इज बिकॉज इस साल रानी मुखर्जी की एक नहीं दो दो फिल्म्स रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से एक है तलाश विथ अरे यार आमिर खान और उसके अलावा दूसरी है अय्या. और इन्हीं फिल्म्स का प्रमोशन ना खराब हो जाए, मतलब लोग कहीं ऐसा ना हो कि शादीशुदा एक्ट्रेस है तो इसकी फिल्म देखने ना जाएं, इस वजह से ये बात को रखा गया अंडर द रैप्स. एनीवे आजकल रानी मुखर्जी का मार्केट इज सो डाउन, वैसे भी लोग उनकी फिल्में नहीं देखने जाते. ये पता लगेगा कि इनकी शादी हो गई है तो जहाँ तक अलग अलग घूमने की बात है, आदित्य चोपड़ा आजकल इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं. अभी रिसेंटली जो यशराज फिल्म्स की फिल्म बन रही है जिसको लंदन में शूट किया जा रहा है शाहरुख खान एंड कटरीना कैफ की, उसकी फिल्मिंग के दौरान दोनों लंदन में मिले और वहाँ पे रानी मुखर्जी का एक बिल्कुल लाविश बर्थडे मनाया गया. इसमें सिर्फ शाहरुख खान और कटरीना कैफ इन्वाइटेड थे. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर स्टोरी यार. वेल एज फार एज शाहरुख एंड कटरीना आर कंसर्न्ड, आपको बता देता हूँ कि इन दोनों अब कुछ ऐसे करते नहीं किसी खुजली भगाओ ऑइंटमेंट के ऐड में नहीं, बल्कि ये लोग नजर आएंगे हमें एक साबुन के ऐड में. एंड हो सकता है कटरीना शाहरुख की पीठ पे ये साबुन मलती नजर आए. कहानी कुछ ऐसी है कि दिवाली पे इन लोगों की ये यशराज फिल्म्स की अनटाइटल्ड फिल्म रिलीज होगी एंड उसी वक्त लक्स का जो ये दोनों एंडोर्समेंट करते हैं उन लोगों ने सोचा है कि क्यों ना इन दोनों का एक ऐड साथ साथ आ जाए. तो क्या इन द नियर फ्यूचर हम देखेंगे शाहरुख खान को वही बाथटब में जैसे वो बैठे रहते हैं ऐसे, और उनके पीछे से कटरीना कैफ को उनकी पीठ पे साबुन मलते हुए. सो नाउ द बिग सवाल इज कि हाउ वुड सलमान रिएक्ट टू दिस होल थिंग. इस एड को देखने के बाद सलमान खान क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे हमको लिख के बताओ.